हाँ, एम्बुलेंस के लिए कॉल कर लिया गया है जी। वो काफी बीमार थी, पर घर वालों को लगता है उनकी मौत का कारण वो बीमारी नहीं है, वो मौत का कारण जानना चाहते हैं जी। आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि एम्बुलेंस जल्द से जल्द पहुंचे। पीछे हटो। एक भी कांच का टुकड़ा रह गया और तुम्हें चुभ गया तो, और चप्पल पहनकर घूम रहे तो, जो काम हाथ में लिया है बेटा, उसे पूरा करने के बाद ही अपना चेहरा हमें दिखाना। नहीं नहीं, हम उठाते अम्मी को। तकिया लेकर आओ और एक तकिया लेकर आओ, अम्मी का सर ऊपर रखेंगे हम। हमको नींद बहुत ज्यादा आ रही है। सुनिए, मजाक बहुत हो चुका, आंखें खोल लीजिए एक बार। नाराज है, ठीक है, हम आपसे माफी मांगते हैं। अम्मी देखो, देखिए हम आ गए ना। कभी क्या है? कभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। होते कौन है आप जवाब देने के लिए कि हमारी है कौन आप कि आप ये कह सकते कि हमारी अम्मी अब। सुनिए, दबा दीजिए उनको अभी के अभी। अरे देख क्या रहे, हटो यार। ये सारी ना इन दवाइयों का असर है, देख रहे हैं आप। वो सो रही है, हमारी अम्मी सो रही है। और अरे उठाइए ना, क्या करिए आप। वीर साहब देखिए, हमारे जो कलीग है जो आपकी अम्मी का ट्रीटमेंट करते थे, देखिए उन्होंने हमसे कहा था कि उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालांकि हैरानगी की बात तो यह है कि इनकी रिपोर्ट्स में ऐसी कोई भी खामी नजर नहीं आई जिससे किसी पर भी कोई भी तरह का शक पैदा हो। कबीर जी, हमें यह लगता है आपकी अम्मी का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएंगे, उसे इंतकाल की वजह पता चल जाएगी। अल्लाह करे इस डॉक्टर की बात सच निकले और दिल का दौरा ही मौत की वजह साबित हो। बुढ़िया बेगम दम घुटने से पहले ना दिल का दौरा पड़ने से ही गुजर गई होगी। वाह रुखसार बन्नू, कितनी अच्छी तरकीब से कत्ल किया है तुमने। या अल्लाह, बस हमारा नाम ना किसी भी चीज में ना आए। क्या कर रहे हो आप लोग यार? नहीं सुनिए, एक बार अपनी आंखें खोल दे। हम मारेंगे अपने आप को। देखिए, आंखें नहीं खोलेंगी अम्मी। ठीक है कबीर, ठीक है। क्यों ऐसा कर रही है अम्मी? हम माफी मांग रहे ना अम्मी। उठिए अम्मी, प्लीज अम्मी। अम्मी देखिए, नहीं नहीं अम्मी, कौन सी नींद है? अच्छा साहब, मैं आयशा बहन के पास जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोई हमें बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? शायना बेटा,
हमारा उस घर से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। आयशा बहन हमारी सगी बहन से बढ़कर थी, तो हमें माफ करना पर हमें जाना होगा। देखिए जो भी हुआ उसका हमें भी बहुत अफसोस है, मगर इसका ये मतलब नहीं है आप हमें निकाह के बीच में ऐसे छोड़ के चले जाएं। हम लोग बारात लेके आ चुके हैं और आप लोग ऐसे जा रहे हैं। दुल्हन ने अभी तक निकाह भी कबूल नहीं किया है, अल्लाह जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना जानने का हक तो हमें है कि ये निकाह मुकम्मल होगा भी या नहीं। जाना बेटा, इस वक्त आपके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। ये बात सच है कि आयशा बहन हमारी बेटी जारा की सास जरूर थी, मगर वो हमारी बेटी को अपनी सगी बेटी से ज्यादा मानती थी, ज्यादा मोहब्बत करती थी। काजी साहब देखिए, मानते हैं कि मोहब्बत करती थी, मानती थी, लेकिन आप बस इतना बता दीजिए कि इस निकाह का क्या होगा। माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे घर में मैयत हो गई है। माफ कीजिए बेटा। अबू, ये सिर्फ अम्मी जानते हैं कि हमें कितनी तकलीफ से गुजर रही थी। ये सिर्फ हमारा कलेजा था जिसने उन्हें इस हालत में देखा और हमेशा उनकी खिदमत करता रहा। अबू, अरे हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अम्मी हमें छोड़कर चली गई। अम्मी एक नेक इंसान, पाक साफ रूह थी। अबू उनका पोस्टमार्टम कराना, नहीं 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 अबू नहीं, उन पर छुरियां चलाना मतलब उनकी रूह को बेचैन करना होगा अबू। और ये हम अपनी अम्मी के साथ नहीं कर सकते अबू। हम नहीं चाहते कि हमारी अम्मी पर नेजे चलाए जाए। आप डॉक्टर से बात करेंगे ना, उन्हें कहेंगे ना कि अम्मी का पोस्टमार्टम ना करें। हम अम्मी को ऐसे नहीं देख सकते अबू, प्लीज कहिए ना अबू। अम्मी, यहाँ क्या कर रही है? आयशा, आयशा मैं। आयशा से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। हम बेटी हैं उनकी। तुम हमारी बेगम की बेटी नहीं हो सकती, जाओ। को अल्लाह का वास्ता में मत रोकिए। हमने कहा ना, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम नहीं जाएंगे। अगर आप पे दुख के पहाड़ टूटे हैं तो हमारे सर से भी माँ का आंचल छीना गया। अगर आपने हमें नहीं जाने दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। Thank you.
तारा अब आपकी नहीं, हमारी बेटी है। बेटी को छोड़कर अपनी बेटी जारा के साथ रहने आए, अगर तुम तो हमारी बेटी हो, बस एक नजर तुम्हें देखना चाहती। सास बहू का रिश्ता वक्ती होता है मोहतरमा, मगर माँ बेटी का रिश्ता सबसे ज्यादा पुराना। अम्मी बेटी आई है, अम्मी बेटी आई है आपके। अम्मी अम्मी को कुछ कुछ नहीं हुआ है ना? तुम ये दुआ क्यों पढ़ रहे हो? ये दुआ क्यों पढ़ रहे हो? हमें पता था अम्मी की हालत के बारे में, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। तुम शांत हो जाओ पहले। ये हम आपके दुआ के बिना सड़क नहीं पार कर सकते, आपके बिना जिंदगी कैसे पार करेंगे? अम्मी को हमारे दूसरे निकाह के बारे में पता चला, उन्हें सदमा लगा। अल्लाह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था, हमारा अल्लाह हमारी अम्मी को हमसे नहीं छीन सकता है। वो तो परवरदिगार है ना, वो सबको भला चाहता है। एक बेटी से उसके मां नहीं छीन सकता वो। मम्मी के लबों पर रुक सकते होते वक्त सारा कबीर का नाम था ना? हाँ ना, सारा कबीर का नाम। अम्मी हम जानते हैं कि आप आस लगाए हुए बैठी थी कि हम और कबीर एक हो जाएंगे, पर हमारा निकाह किसी और से हो रहा है और हम नहीं चाहते थे आपको इस निकाह के बारे में पता चले। हम कामयाब नहीं रहे। आप हमसे दूर नहीं जा सकती है, सुन रही है ना? हमें नहीं पता था हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने तुम थी ना? मम्मी को किसने बताया निकाह के बारे में? तुम? वो देखिए आपकी प्यारी जारा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है ना अपनी शादी के नए जोड़े में। तुम दिन रात मम्मी के साथ थी, किसने बताया बताओ ना? मम्मी को मेरे निकाह की बात कैसे पता चली? कैसे पता चली? क्या सारा बोलो ना। बस आज तो पक्ष तो हमें, हम नहीं सुनना चाहते हैं तुम्हारी आवाज। तुम्हारा होने वाला शोहर चला गया है, तुम में जरा भी गैरत हो तो चली जाओ उसके साथ और मुकम्मल करो अपना निकाह।
बेगम को कुछ देर के बाद नीचे ले जाया जाएगा। जिन्हें भी आखिरी बार उनकी सूरत देखनी हो वो नीचे ही इंतजार करें। हम और तमाशा नहीं चाहते यहां पे। का वक्त हो गया। कहाँ जा रहे हैं मम्मी को? जिंदगी में खुश रहना। दोबारा अभी कबूल है? नहीं जिंदगी मुबारक हो तुम्हें। अगर तुम्हारा निकाह कबूल है सारा, निकाह कबूल है।